इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो K10 5G जो डिवाइस है। इस डिवाइस के यूजर्स ने अपने डिवाइस को एंड्रॉइड 12 ऑफिशियल ऐप पर अपडेट तो कर लिया है, अब यहाँ पर वेट करें कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और क्लस 13 का जो बीटा फॉर्म है वहाँ पर कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओप्पो की ओर से ऑफिशियली कन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इस वीडियो में सारी कुल डिटेल शेयर करूँगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो K10 5G डिवाइस के एंड्रॉइड 13 और क्लस 13 बीटा फॉर्म के बारे में बात करें। उससे पहले आपको के डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट रन में अपडेट करके रखना होगा, तभी आपको आपके डिवाइस में क्लस 13 का बीटा फॉर्म शो होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके डिवाइस का नेम ऑफिशियली कंफर्म तो कर दिया गया है, जैसा कि 18 अगस्त को एक लॉन्च इवेंट हुआ था क्लस 13 अपडेट का, तो वहाँ पर आपके डिवाइस का एक नेम मेंशन कर दिया गया एक रोड मैप शेड्यूल के थ्रू कि आपके डिवाइस को ओप्पो K10 5G डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और क्लस 13 का बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये बीटा फॉर्म आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपको एक ऑफिशियली रोड मैप प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की ओर से, जो कि कलर्स 13 का बीटा रोड मैप होगा। उस रोड मैप में आपके डिवाइस का नेम मेंशन किया जाएगा और वहां पर डेट भी मेंशन की जाएगी कि आपको यहां पर अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, मतलब अक्टूबर मंथ में कब तक देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक्टिव रहना होगा और इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं तो आप अपने डिवाइस में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को मिस कर दीजिएगा। इस अपडेट के साथ में आपको कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे क्योंकि एक बीटा अपडेट है। हाँ, अब आपको बात करते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप अपने डिवाइस के सेटिंग्स में जाओगे, ट्रायल वर्जन सेक्शन पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको बीटा शो होगा, उस पर आपको टैप करना है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म शो होगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, अंडर व्यू में जाएगा आपका फॉर्म, फिर अप्रूव या फिर पास होगा, फिर आपके डिवाइस में क्लस 13 का बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इस छोटी स्टूडियो में यही था, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।